राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोबा में हुआ वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि बिलासपुर के युवा कांग्रेस नेता और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर का स्कूल पहुंचने पर फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य नरेंद्र मुसाफिर ने मुख्य अतिथि विकास ठाकुर को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्कूल प्रधानाचार्य नरेंद्र मुसाफिर ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और मुख्य अतिथि व गणमान्य लोगों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद किया। स्कूल के बच्चों द्वारा गणेश वंदना व सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि विकास ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और इसके साथ पढ़ाई के ऊपर भी विशेष ध्यान देने के लिए स्कूल के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो इससे स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इस अवसर पर विकास ठाकुर ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित हो रही है। बच्चों को नशे से बचाने के लिए परिजनों को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और खेलों की ओर बच्चों को आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को अनुशासन में रहकर ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को हमेशा अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं वे हमेशा ही ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान बच्चों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में भी लोगों को सचेत किया। अंत में स्कूल के द्वारा खेलों और पढ़ाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। बच्चों ने नाटी, गिद्दे और भांगड़े पर धमाल मचाकर पंडाल में लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर अशोक ठाकुर, जसविंदर गोलू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वार्षिक पारितोषिक जो कार्यक्रम होते हैं उनका बच्चों को बड़ी बेसब्री से पूरा वर्ष इंतजार होता है। माँ बाप को भी
इंतजार होता है, जो फलसफा है पूरे वर्ष का, जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम के रूप में जनता के सामने आता है, माँ बाप के सामने आता है कि पूरा साल हमारे बच्चों में विभिन्न स्पर्धाओं में किस प्रकार से भाग लिया और उनकी शिक्षा हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनकी रुचि जो है वो किस प्रकार से, जो निरंतर वो विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका परिणाम क्या है। क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ शिक्षकगण जो है बच्चों को पूरा साल मेहनत करते हैं, माँ बाप का भी पूरी मेहनत उसमें शुमार होती है और वार्षिक जो पारितोषिक कार्यक्रम है उनमें बच्चे जब अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो उनका मनोबल भी जो है वो बढ़ता है। और आज के दिन जितने भी बच्चों को यहां पे पुरस्कार मिले विभिन्न विभिन्न स्पर्धाओं में, उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु साथ में मेरा अनुरोध है उन बच्चों से जो शायद अपना नाम आज के इन पुरस्कारों की सूची में नहीं शुमार करवा सकते, कि आने वाले समय के लिए और अधिक मेहनत करें, और अधिक संघर्ष करें, ताकि आने वाले समय में जो है आप लोगों का नाम भी उस सूची में जो है वो शुमार हो सके।